क्लासिक कुजीन में मैं नीता पाटिल आज बना रही हूँ फ्रूट टार्ट्स। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम आधा लीटर दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर में हम थोड़ा सा दूध मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि कोई लम्स फॉर्म ना हो। अब इसमें दो चम्मच शक्कर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसे दूध में मिक्स करके बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब हम गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे और कस्टर्ड को लगातार चम्मच से हिलाते रहेंगे। अब कस्टर्ड थिक हो गई है, इसे एक बोल में ट्रांसफर करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। दो घंटे बाद आप देख सकते हैं ये इतनी थिक हो चुकी है। अब मैंने कुछ फ्रूट्स काट के रखे हैं, जैसे कि संतरा, कीवी, पपाया, केला, सीताफल, पोमोग्रेनेट, एप्पल। और अब मैं टार्ट्स को प्लेट में सजा दूंगी। अब इसमें पहले हम डालेंगे कस्टर्ड। अब एक एक करके हम सारे फ्रूट्स को इसके ऊपर सजाते जाएंगे। आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई भी फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। इसमें इतने कलरफुल फ्रूट्स को यूज किए हैं कि दिखने में तो अच्छा दिखता ही है पर न्यूट्रिशियस भी है। इसे आप चाहे तो इवनिंग स्नैक की तरह भी खा सकते हैं या फिर किसी बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। बाहर के किसी भी रेडीमेड स्वीट से तो ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है और हाइजीनिक भी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी और प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।